Welcome back. My today's topic is new economic and political situation during First World War. हुआ ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट ब्रिटेन ने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था, और हो ये रहा था कि बड़े जोरों शोरों से किया था पार्टिसिपेट. अब उसका असर किस तरीके से इंडिया पर आया, चलिए देखते हैं. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया. जब मैं बात करती हूँ इकोनॉमिक की, इसका मतलब आ जाता है कि पूरी तरीके से फाइनेंस. ठीक है, मतलब अगर आप एक इकोनॉमिक वर्ड लिख लेते हैं तो वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल सिचुएशन को. ठीक है, और अब बात करते हैं पॉलिटिकल की, तो आप जानते हैं पॉलिटिक्स राजनीति है ना उसकी, तो दोनों का ही इकोनॉमिक लेवल पे यानी फाइनेंशियल लेवल पे और पॉलिटिकली भी इंडिया के ऊपर बहुत असर पड़ा. कैसे? द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर वॉज एज फॉलोज. ठीक है, फर्स्ट वॉर लोन. द वर्ल्ड वॉर हैड लेड टू इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स. हुआ ये कि ब्रिटेन ने क्या किया, जब वॉर में पार्टिसिपेट किया तो नेचुरली इतनी बड़ी सेना, ठीक है, उसके हथियार, उसके बम, गोले, गोलियां, गन्स, उनके यूनिफॉर्म्स, उनकी बूट्स, हेलमेट्स, ठीक है, इन सब का खर्चा निकालने के लिए, उनकी सैलरी, खाना पीना है ना, उनका ट्रीटमेंट, इन सब का खर्चा निकालने के लिए क्या किया, लोन लिया. ठीक है, अब लोन लिया क्योंकि डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये तो मैंने थोड़े से बताए, बहुत सारे होते हैं, उनको नाइट में स्टे करने के लिए कहां पर जगह क्या सब कुछ मैनेज करना होता है. तो ऐसे में ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे वो जो कि बहुत ज्यादा थे, उनको फुलफिल करने के लिए वॉर लोन्स लिए, और उन लोन्स के ऊपर ब्रिटेन को जो था वो बहुत भारी मात्रा में इंटरेस्ट पे करना था. अब क्योंकि ब्रिटेन के पास इतना पैसा था नहीं, क्योंकि उसने पहले ही वॉर के अंदर लगा दिया, तो अब वो क्या सोच रहा था कि जो मेरे कॉलोनी है, मतलब जो मेरा गुलाम देश है, उससे मुझे क्या लेना है, पैसा लेना है, और उसने वो सारा इंटरेस्ट जो उसको भरना था वो प्रेशर इंडियन पे देना चालू किया, पहली चीज. दूसरी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस. अब कैसे उसने वो प्रेशर दिया, कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस. उसने क्या किया, जो लोन, जो टैक्स इंडियन दे रहे थे, ठीक है, जो कर वो दे रहे थे, उनमें भारी मात्रा में बढ़ावा कर दिया. जमींदार हो उसको भी टैक्स देना है, फार्मर है उसको भी देना है, लेबर है उसको भी देना है, राजा है उसको भी देना है, मतलब बस देना ही देना है. तो इनडायरेक्टली क्या हुआ कि किसान कर रहा है मेहनत, ठीक है, और मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको कुछ नहीं मिल रहा है, सब कौन ले जा रहा है, ब्रिटिशर्स. तो उसकी हालत और बुरी होती गई और लोगों के दिल के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा भड़कता गया. राइजिंग प्राइसेस. राइट थ्रू द वॉर इयर्स प्राइसेस ऑफ गुड्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड डबलिंग बिटवीन 1913 to 1918, एंड दिस क्रिएटेड एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल. अब क्या हुआ कि जब ब्रिटेन का पैसा और इंडिया का पैसा दोनों ही उस वॉर में जाने लग गया, जहां पर इंडिया को कोई लेना देना नहीं था क्योंकि उसने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो ऐसे में क्या हुआ, पैसा ले गए ब्रिटिशर्स. अब वहां पर जब खाने की कमी होने लग गई, इतने सारे सोल्जर्स, उनको खाना वहां पर प्रोवाइड नहीं हो रहा था, तो इंडिया का जो फूड क्रॉप था, जो कल्टीवेट किया जाता था अपने इंडियन फार्मर्स के द्वारा, उनपे भी क्या किया, इन्होंने जोर जबरदस्ती करना चालू कर दिया. वो फूड भी एज इट इज, वो क्रॉप भी एज इट इज ले जाए जाने लग गए, जिसकी वजह से शॉर्टेज आने लग गई फूड की इंडिया के अंदर. ठीक है, और रिजल्ट क्या हुआ कि लोगों को जब फूड कम मिलने लग गया देश के अंदर, तो उसके प्राइसेस जो थे वो बढ़ने लग गए, और इतने बढ़ गए कि वो डबल हो गए, तो लोगों को प्रॉब्लम
आने लगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि मान लीजिए कि मेरी कोई इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं डेली रूटीन में लाती हूँ, मार्कर, ठीक है। ये अगर ये आता है यूजुअली 20 रुपीज में, ठीक है, और मान लीजिए ये मार्कर हो गया 40 और फिर और बढ़ के और इसके प्राइसेस हो गए 60, तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, मार्कर को यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जो इनकम है वो मुझे इस चीज को अलाउ नहीं करेगी कि 60 रुपीज का तो मार्कर खरीद ले भाई, जब वर्ल्ड वॉर छाया हुआ है, सब जगह महंगाई छाई हुई है, तो तू मार्कर खरीद ले, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो फूड खरीदूंगी ना अपने बच्चों के लिए, मैं मार्कर को नहीं खरीदूंगी, और जब मैं मार्कर नहीं खरीदूंगी तो मेरा काम कैसे चलेगा, और अगर मेरा काम नहीं चलेगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो ये सोचने वाली बात हो गई कि जो असेंशियल कमोडिटीज थे जब उनके प्राइसेस डबल हुए या उससे भी ज्यादा बढ़ गए तो लोगों को हार्डशिप का सामना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। फोर्स रिक्रूटमेंट, अब क्या हुआ, पैसा ले रहे थे, समझ में आ रहा था, फूड ले रहे थे तो भी लोगों ने बर्दाश्त किया कि चलो कैसे भी करके हमें ये बुरे दिन निकालने, हम निकाल लेंगे, बट अब तो फोर्सफुली लोगों को ले जा रहे थे क्योंकि जब उनको लगा कि अब हमारे सोल्जर्स कम होने लग गए हैं तो गुलाम देशों के गांव में से उन्होंने फोर्सफुली लोगों को सोल्जर बना के ब्रिटेन के लिए लड़ने के लिए भेज दिया। अब इंडिया का व्यक्ति अगर इंडिया के लिए मरता है लड़ के तो समझ में भी आता है, बट इंडिया का कोई लेना ही देना ही नहीं है उस व्यक्ति का, कोई उन दोनों ही देशों से लेना देना नहीं है, बेचारे को सोल्जर बना बना के भेज रहे थे और उसके परिवार वाले इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फोर्स रिक्रूटमेंट, विलेजर्स वर कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड सोल्जर्स अंडर फोर्स रिक्रूटमेंट विच कॉज वाइड स्प्रेड एंगर। अब मान लीजिए पैसा ले गए, कोई बात नहीं, पैसे को तो गन नहीं देंगे ना कि चल चला ले तू, नहीं, उसके लिए तो व्यक्ति चाहिए, तो उन्होंने यहाँ से लोगों को भी फोर्सफुली ब्रिटेन भेजना चालू किया और वो लोग उन देशों में मारे जा रहे थे। तो ये इतना गुस्सा लोगों के दिमाग में और दिल में फैल गया कि वो ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा खफा हुए। अब क्या हुआ, ये तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे बट नेचर ने भी उस वक्त अपना साथ नहीं दिया। क्या हुआ, क्रॉप्स फेल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, 12-13 million people perished as a result of famine and epidemic. हुआ ये कि क्योंकि famine आ गया तो उन सालों में जो इंडिया के बहुत सारे parts है वहां पर crops क्या हुए, fail हो गए, मतलब agriculture बहुत अच्छे से हुआ ही नहीं, food crop अच्छे से उगा ही नहीं, ठीक है। जो उगता था वो भी कौन ले जा रहा था, ब्रिटिशर्स ले जा रहा था, नेचर ने भी बंद कर दिया। ये बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921 that 12-13 million people को सर्वाइव करना पड़ा था फैमाइन की वजह से और एपिडेमिक, वहां एक महामारी भी फैल गई थी उस दौरान, तो लोगों को बहुत ज्यादा बुरी हालत से गुजरना पड़ रहा था, ठीक है। फिर एक यहाँ पर वर्ड आया है पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हुई, तो जब ये सब कुछ देश के अंदर चल रहा था, देश बहुत सदमे में चल रहा था, ऐसे में एक पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट आया, वो ये था न्यू लीडर्स अपीयर। देश की ऐसी हालत देखकर नए लीडर्स आगे आए एंड सजेस्टेड न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और उन्होंने क्या किया, एक नया तरीका स्ट्रगल का निकाला, जिसमें से महात्मा गांधी जिन्होंने क्या किया, सत्याग्रह की राह लोगों को दिखाई। इस पूरे टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। आपको क्या करना है, ये एज अ क्वेश्चन लेना है, ठीक है, और ये इसका आंसर आपको लिखना है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, समझ में आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।